इतना प्यारा लग रहा है, बस दो ही हाथी है। ओ भाई साहब इतना नजदीक से जा रहा है। ओ भाई साहब ये देखिए कौन सा मछली है, सब रियल मछली है। हे गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पता है आज कहाँ पे आए हुए, पटना का चिड़ियाघर। हाँ सही सुने, पटना का चिड़ियाघर आए हुए और सिर्फ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को चिड़ियाघर दिखाने के लिए आए हुए। तो हाँ हम तो चिड़ियाघर देखे हुए थे लेकिन यहाँ का नहीं, दिल्ली का देखे हुए थे। तो लेकिन आप लोगों के लिए चिड़ियाघर पटना का दिखाने आए हुए हैं। तो हाँ पूरा दिखाएंगे, पूरा टूर करवाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी और सब्सक्राइब भी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब भीड़ आज भी बहुत भीड़ है, ये चिड़ियाघर का सब लोग घूमने आए। ये संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। तो आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, बस देख लीजिए ऐसा। ये जो ग्रीन गोल्फ था ना, वो भी गोल्फ का भी था, ये सारा कुछ था। क्रोकोडाइल, नाइल क्रोकोडाइल सब कुछ देखे हम लोग। वो भाई साहब भालू देखिए यहाँ पे, कितना बड़ा, दो भालू है। वो ठीक है, भालू नहीं है। क्या है? भालू है तो प्रजाति है, लेकिन भालू नहीं है। अच्छा तो ये देखिए दो इधर सोया हुआ है, इधर दो खेल रहा है, बहुत सही चीज है भाई साहब। ओ कितना बड़ा ऑस्ट्रिच है ये, शुतुरमुर्ग। ओ भाई साहब कितना लंबा है, बहुत लंबा है ये तो। ये बियर है, अभी तो थोड़ा सा ही कवर हुआ है, पूरा कवर नहीं हुआ है, अभी तो पूरा दिखाना बाकी है। अभी तो बस थोड़ा सा 0.5% अभी दिखाया होंगे। और इधर देखे कितना अच्छा अच्छा है, ये सब गोल्डन सीजेंट, गोल्डन सीजेंट। ओह माय गॉड, और ये पीकॉक इधर, और ये गोल्डन सीजेंट है, ये गोल्डन सीजेंट। और ये भी कितना प्यारा लग रहा है ये। ओ भाई साहब ये सिल्वर पीजेंट है, कितना सुंदर है, मतलब बहुत अच्छा है। हम तो ऐसा देखे भी नहीं थे, दिल्ली में पहली बार गए थे देखने, तो वहाँ पे उतना अच्छा से ये सब नहीं दिखा था, लेकिन पटना जू सच में बहुत अच्छा है। और इधर भी पिकॉक है। आप लोग पूरा ना वीडियो को देखते रहिए, पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। पूरा चिड़ियाघर घुमाएंगे, छोटा छोटा शॉट लेके पूरा चिड़ियाघर घुमाएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओ हेलो हेलो, बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। भाई साहब कितना छोटा छोटा है ये। अभी बारहसिंगा आपको दिखाते हैं, ये तो हिरन है। ओ भाई साहब ये देखिए हिरन, ये हिरन बहुत सारा है, उधर भी है। आज ना खुशबू को मिस कर रहे, खुशबू भी बोल रही थी भैया चलना पटना तो हमको भी दिखाना। ओ भाई साहब यहाँ पे देखिए बारहसिंगा, ये पानी पीने आया है, ये बारहसिंगा। उसमें कितना सिंह है, वो थोड़ा एजेड है, लेकिन मतलब आपको कैमरा में नहीं लग रहा होगा लेकिन रियली में बहुत बड़ा है ना भैया, कितना बड़ा है। ओ ये पॉटी भी कर दिया, एक वहाँ पे गेंडा अंदर में सोया हुआ है पानी में। देखिए कैसा लगा आपको वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। वो जिराफ देखे कितना लंबा है, ये राइनोसोरस गैंडा। और ये हाथी, बस दो ही हाथी है। और इधर बोटिंग का है, ये पूरा एरिया पूरा बोटिंग। ये देखिए एक घड़ियाल, वो देखिए कितना सब आराम कर रहा, कितना बड़ा है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 और दो पानी में भी है। मछली घर है वहाँ पे, उस साइड ना मछली घर है, लेकिन अभी हम जा नहीं रहे वहाँ पे, 20 रुपए टिकट का है, लेकिन क्या मछली जाके देखना है, लेकिन चलिए फिर भी। और इधर अभी देखे ना कितना मजा आ रहा था देखने में भाई साहब, बहुत मजा।
और पूरा 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 ग्रीनरी। खुशबू को तो बहुत मिस कर रहा है, उसको भी देखने का मन था लेकिन वो देख नहीं पाई। हम तो एग्जाम देने आए तो हम फिर भी देख लिए। इधर से ही जा रहे थे ना तो देखे हाँ ये पटना जू, हमको नहीं पता था इधर से ही जाएंगे लेकिन हाँ फिर भी देख लिए। तो हाँ मज़ा आएगा अभी देखने में। अभी जाने का मन नहीं था लेकिन आप लोगों को चलते चलते जल्दी दिखाते मछली घर, दिखाते आपको हम घूम के। ये लीजिए टिकट, 10 का टिकट है, ये 10 का टिकट है। वो मछली घर आगे है ना उसी का। ये अचानक देख के ना लग रहा है ये रियल में है, ये डॉल्फिन है, कितना सुंदर लग रहा है। हम अचानक देखे ना तो बोला रियल है ये, छोटा छोटा। ये भी बहुत सुंदर है, ये जैन, ये भी कितना प्यारा लग रहा है तो बहुत सारा मछली, ये सब देखिए बहुत सारा मछली है। भाई साहब सबसे बड़ा मछली तो ये वाला है, एल्बिनो पीरीना, एल्बिनो पीरीना। लोग हम थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहे हैं जो कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, लेकिन फिर भी जो भी दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं, बस देखते रहिए पूरा। और पता है पैदल पैदल आप पूरा देख नहीं सकते हैं, मतलब आपको गाड़ी तो करना ही पड़ेगा। इसलिए देखिए क्या है, ये उल्फ है, उल्फ। तो हाँ चिड़ियाघर आपको पूरा टूर करवा दिया, उल्फ दिखाए पहली, बंदर दिखाए, राइनोसोरस दिखाए, भारत सिंगा दिखाए और मगरमच्छ भी दिखाए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आपको पूरा जू का टूर करवा दिया गाइस। हाँ मस्त है भाई साहब आपको। तो एंट्री का 30 रुपये लगा था, फिर वो वाला जो गाड़ी लिए थे वो 60 रुपये का था, सॉरी 65 का था, मछली घर में गए तो वो 10 रुपये का था। तो बस यही सब मिला के 100-150 में आराम से घूम सकते हैं, बस पैदल नहीं घूम सकते हैं। चिड़ियाघर नूर है, आना जरूर है। और ये देखिए चिड़ियाघर का कुछ ऐसा व्यू है, ये एंट्री गेट है, वो एंट्री गेट है, आपको दिखाते हैं चलिए। तो जैसे एंट्री करेंगे तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा, ये सीधा। और देखिए फिर हम लोग अभी एग्जिट पे जाना है तो चलते हैं एग्जिट। वो एग्जिट हुआ और यहाँ भी देखिए कितना भीड़ है, ये पूरा ये पटना जू कुछ ऐसा दिखाई देता बाहर से, पटना जू। ये हाईवे आपको और ये सब आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, भेलपूरी, आइसक्रीम, ये सब। और उधर ना इतना हाइजेनिक फूड था ना, मतलब गंदाई में ही बना रहा था भाई साहब। और देखिए कुछ ऐसा दिखाई देता पटना जू, बस ये सब खा सकते हैं आप, पॉपकॉर्न, ये सब पता है वो भी प्लास्टिक में ले जाने का नहीं है। पॉपकॉर्न आर ना आप प्लास्टिक में लेके नहीं जा सकते, वो आपको एक पेपर वाला में देंगे आप खरीद के, और भी 20 का 25 में। हम आलू भुजिया खरीदे तो 20 का 25 में दिए, पानी 50 रुपये का। तो हाँ बस यही सब है, वो भी प्लास्टिक में अंदर पानी का बोतल नहीं ले जा सकते, ये भी अपना बोतल लेके जा रहे हैं तो वो आपको ले जाने देंगे शायद। आपको बाहर ही ऐसा समोसा मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा आपको।